ओके लेकिन ना क्या प्रॉपर्टी हम सीखने वाले हैं, ध्यान से देखो, एक ही प्रॉपर्टी की होगी 3.2 के लिए। 3.2 में जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी कल आपने सीखा था इंटीरियर एंगल, जो एंगल अंदर की तरफ बनते हैं उन्हें इंटीरियर एंगल बोलते हैं। कल आपने ये सीखा, यानी अंदर की सभी साइड का सम किया जाता है। अब आपका कोई भी पॉलीगन हो, अब आपका कोई भी पॉलीगन हो, 3 साइड का, 4 साइड का, 5 साइड का, 6 साइड का, कुछ भी हो, तो उस पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जो बाहर के एंगल होते हैं ना, ये वाले, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है बाहर, इसमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन रहा है बाहर, तो जो बाहर के एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। आपके पास एक ही प्रॉपर्टी सीखना है इसमें, किसी भी पॉलीगन के, चाहे वो पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, या ऑक्टागन हो, अगर उसके जो एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं उनका जो सम होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये लाइन आपके 3.1 नाम में तो ये उसके जस्ट नीचे लिखी हुई है, आप देख भी कर सकते हैं, और आप अपनी बुक में पेज नंबर 43 में भी देख सकते हैं कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, और इसी से हम आगे के जो क्वेश्चन है 3.2 के वो क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, 3.2 से आप पहला क्वेश्चन देखिए और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा हम कैसे कर रहे हैं। और जिन स्टूडेंट ने कल क्लास में ली थी, वो भी सुनिए, कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 कराया पूरे चारों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 भी कराया था। अब कल के दिन क्लास में कुछ स्टूडेंट कम आए थे, एक दो स्टूडेंट का तो तभी ठीक नहीं भी नहीं आए थे, और कुछ स्टूडेंट का कॉल ऑफ थे इसलिए नहीं आए थे, मैंने कॉल भी किए थे बाद में आपको, लेकिन आज क्लास ले रहे हैं और जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी वो कल का जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है उसको देख सकते हैं यूट्यूब पर या ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, अब 3.2 में पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर, a और b में दो फिगर दिए गए हैं, इनमें जो अननोन वैल्यू x है ना ये आपको फाइंड आउट करना है, इसमें जो आपकी अननोन वैल्यू x है इसे आपको फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले जो शेप दिया गया है, जो सबसे पहले फिगर दिया गया है वो फिगर बना लेते हैं, फिगर से हमें बेटर समझ आएगा। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद इस लाइन से आपका ये एंगल बन रहा है इस तरह से, और यहाँ से आपका एक लाइन इस तरह से बन रही है। ठीक है, पहला वाला जो शेप है ना वो इस तरह से बना हुआ है आपकी। अब इसमें आपको क्या करना है, अंदर वाले एंगल को कुछ मतलब नहीं, अंदर एंगल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको फिर बाहर के एक्सटीरियर एंगल देखने। इसमें देखो बाहर का एंगल तो क्या 125 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपका 125 डिग्री है, और ये जो नेक्स्ट एंगल आपका ये भी आपका 125 डिग्री है। ठीक है, दोनों एंगल 125 डिग्री के, और ये जो थर्ड एंगल है ना बाहर का, इस एंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कितना है, तो ये जो बाहर का अगला एंगल है एक्स एंगल, इसको ही आपको निकालना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर, बोलिए। यस सर। क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पर लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर मैंने 360 लिखा हुआ है, डिग्री के लिए सिंबल नहीं होता, डिग्री आपको लगाना है। ठीक है, अब देखो क्या चेंज हुआ है, कल हम लिख रहे थे इंटीरियर एंगल के लिए और आज लिख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल के लिए। अब देखो यहाँ पर कितने एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है 125, एक ये बन रहा है 125, और एक ये वाला एक्स बन रहा है, तो वैसे लिखिए 125 प्लस, फिर से 125 प्लस, और फिर लिखेंगे एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, कितने पे से आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 110 125 और 125 होते हैं 250 में प्लस x इस पॉइंट में आपका आएगा 360 डिग्री। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x
निकाला हम जानते हैं x इक्वल टू 360 माइनस में 250 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, यानी कि जो अनोन एंगल था ना ये वाला, ये 110 डिग्री का होगा। इतने पर ही आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। बस यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि मैंने डिग्री नहीं लगा रहा, डिग्री लगाया था तो टाइम करते समय डिग्री का सिंबल नहीं होगा, तो आप हर जगह ऐसे डिग्री लगा देना, ये डिग्री लगा देना, ठीक है, सब जगह जुमा भी लगा देना, हर नंबर पर लगाना, जहाँ जहाँ नंबर लिखा है। तो ये वाली जो अनोन वैल्यू थी 110 डिग्री की हो गई, हमने निकाल लिया। इतने पर ही आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट? हाउ टू सॉल्व दिस? गॉट इट ना? Yes, sir. Yes, sir. आप देखो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो पार्ट में इसी तरीके से करना है, वो पार्ट जो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है और अच्छा पार्ट है तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट नोट डाउन करना चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकता है, या फिर स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकता है, इससे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सर मैंने नोट डाउन कर लिया। यस सर। ओके ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाके तो नहीं सर आपको एक भी टॉपिक क्लियरली समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में एग्जाम टाइम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आपको प्रॉब्लम आपसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसे रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आपसे, तो यहाँ पर आपने अभी तक बताया कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है आपने टोटल निकाला है, बोलिए किसी ने निकाला है कितना आंसर आ रहा है? सर मेरा आ रहा है 50 डिग्री। सर 50 डिग्री आ रहा है। देखो 50 आंसर आ रहा है, कैसे आएगा कुछ ही दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा ये चार एंगल तो हमें पता है। आप देखो यहाँ पर 90 डिग्री अंदर का एंगल दिया है, यहाँ पर 90 डिग्री अंदर का एंगल दिया है, अंदर एंगल हमें चाहिए, हमें तो ये बाहर एंगल चाहिए, ये वाला बाहर एंगल चाहिए, तो बाहर एंगल दिया ही है, तो सबसे पहले ये बाहर का एंगल निकालना पड़ेगा। तो
तो कल जो स्टूडेंट नहीं आए थे वो भी सीख लीजिए, कल मैंने एक टॉपिक सिखाया था आपको लीनियर पेयर, कि ये 90 डिग्री और ये पीछे का एंगल, इसको ए मान लीजिए, ये दोनों पड़ोसी हो गए, 90 और ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो गए ना, पड़ोसी एंगल को बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जब तक ए नहीं निकलेगा तब तक एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड पार्ट, सबसे पहले कुछ नहीं निकालना है, एक्स नहीं निकालना, सबसे पहले ए निकालना है, तो बाहर एंगल भी पता ना। अब यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस लगाकर ए और इस पर जो लिखेंगे 180 डिग्री। अब जो स्टूडेंट कल क्लास में लिखते हैं उनको नहीं पता है कैसे करते हैं, तो देख लो, अगर कोई एंगल एक लाइन पर साथ में है तो उन एंगल को बोलते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर लिखते हैं यहाँ पर लीनियर पेयर, ठीक है। ऐसे एंगल जो एक ही टाइम में एक ही बेंच में एक साथ बैठे, जैसे आप दो स्टूडेंट, कभी स्कूल में नहीं है, आप दो स्टूडेंट स्कूल में होते हैं, एक बेंच पे दो स्टूडेंट बिठा ले जाते हैं, तो एक साथ दो स्टूडेंट बैठते हैं, तो अगर आप दो एक साथ बैठे तो आप लीनियर पेयर में। क्या हो गया, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही किसी को भी? सर स्लो आ रही है, क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस। अरे आज क्या है, बारिश हो रही है, समझ लीजिए जितना आ रहा है, और बाद में डाउट होगा तो मैं दोबारा करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अटेंड की बात नहीं है कि हम बारिश को रोक दें या नेट को ठीक कर दें, है ना, थोड़ा सा इशू है, मैनेज करो आज के दिन, कल तो नहीं करो, कल हमने क्लास नहीं थी, कल रिक्वायरमेंट तो सभी क्वेश्चन अच्छे से किए थे। ए की वैल्यू हमारे कितनी आ जाएगी, यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 90 डिग्री 90 डिग्री
चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू से पहले मैं कुछ चीजें समझाने वाला हूँ पिक्चर के बेस पे, आप समझ लीजिए ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, अभी भी 24 स्टूडेंट क्लास में रेगुलर है, एक दो स्टूडेंट बार बार आते चले जाते हैं ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा गया आपको बताते हैं, फाइंड द रीजन ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड एंड 15 साइड। अब देखो एक शेप है, एक शेप है, कौन सा शेप है मैं नहीं पता, एक शेप है रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 9 साइड्स होती है, उसमें 9 साइड्स होती है, तो उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, उसमें हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो मैं इसको ना अपने तरीके से समझाता हूं। जैसे कोई भी एक शेप बना लो पॉलीगन को बना सकते, मैंने इस तरह से एक शेप बनाया पॉलीगन ठीक है। देखो ये 1 2 3 फोर लाइन हो गई, इससे इसको जोड़ दिया ये फाइनल हो गई, ये इसकी सिक्स लाइन हो गई, इस तरह से जोड़ कर दिया इस तरह से मैंने एक शेप बनाया ठीक है। इसमें कितनी लाइन बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो फिगर है ये पूरा फिगर आपको पॉलीगन है और इसमें कितनी साइड है, 8 साइड है ठीक है। तो इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन में आपको कोई भी फिगर दिया हो सकता है, 9 साइड का, 15 साइड का, 20 साइड का एक फिगर दिया गया है और आपको बताया कि पूरे एक पॉलीगन का सम, पूरे एक पॉलीगन का सम होता है 360 डिग्री, पूरे एक पॉलीगन का सम 360 डिग्री हो गया हमारा। और इसमें टोटल साइड कितनी है, टोटल साइड है आपकी 8 अपॉन में हमें 8 का डिवाइड करना है, तो हमें इससे पता क्या पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा कि इसका एक एंगल कितना मिलेगा, यानी इसका जो एक एंगल है ना इसमें टोटल 8 साइड है, 80 एंगल होंगे, इसमें टोटल 8 साइड है तो 80 एंगल होंगे भी आपको, एक एंगल कितने डिग्री होगा यहाँ पर, एक एंगल कितने डिग्री होगा ये पता है अभी पता नहीं है, 8 का डिवाइड 360 में कर दूंगा तो यहाँ पता लग जाएगा मुझे कि हर एक एंगल 45 डिग्री का होता है, हर एक एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का आ रहा है 45 डिग्री का आ रहा है। लेकिन ये जो अंदर की तरफ चेक कर रहे हैं हमें बाहर के अंदर चेक करने हैं एक्सटीरियर एंगल, तो इसी तरीके से हम डिवाइड करके बाहर के अंदर निकाल सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा गया है कि आपको नंबर ऑफ साइड पता है, आपको टोटल पॉलीगन का सम पता है, अब आपको ये बताना है कि पॉलीगन की जो बाहर की एक साइड होगी वो कितने डिग्री की होगी, वही हमें निकालना है। पहला सेकंड क्वेश्चन से पहला पार्ट आपको बताते हैं, आपको अभी भी नहीं समझ में आया दोबारा देख सकते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू से हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में जो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 साइड, आपके बुक में यही लिखा हुआ है 9 साइड लिखा हुआ है, यस सर यस सर। आपका 9 साइड का कोई शेप है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बने हुए हैं ना शेप एक्सेल एंगल के, ऐसे ही आपका कोई शेप है 9 साइड का, लेकिन कौन सा शेप है नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ना तो मुझे पता है ना आपको पता है कि 9 साइड का वो कौन सा शेप है, और हमें जानना भी नहीं, जरूरत भी नहीं उसके, बस हमें ये बताना है कि उसका जो हर एक एंगल होगा, उसका जो हर एक एंगल होगा बाहर का एक्सटीरियर एंगल वो कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। तो वो निकालने के लिए आपको देखो दो चीजें पता है, आपको दो चीजें पता है, एक तो आपको साइड्स पता है कितनी साइड का एंगल है, सॉरी कितनी साइड्स का फिगर है पॉलीगन, और एक आपको ये पता है कि पूरे पॉलीगन का सम कितना होता है, तो जब डिवाइड कर देंगे तो एक साइड पता लग जाएगी। तो यहाँ पर पहले पार्ट में यही देखेंगे ईच, ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब क्या होता है, एक होता है ईच एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल, अब हम ईच एक्सटीरियर एंगल बता रहे हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल बता रहे हैं, तो टोटल तो 360 का होता है, तो ऊपर तो 360 लिख देंगे, फॉर्मूला बता रहा हूं इसका, और अपॉन में लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स, अपॉन में हम लिख देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पर ही अपॉन बन जाएगा, ये जो मैंने लाइन बनाई है देखिए ये लाइन अपॉन में जाएगा, नीचे लिख देंगे हम नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड लिखते हैं, नंबर की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं एन ओ डॉट ऑफ साइड्स, ये फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, किसी भी चीज का एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 ऊपर आ जाएगा और नंबर ऑफ साइड्स नीचे आ जाएगा, आप डिवाइड कर दीजिए बस, देखिए इक्वल टू लगाएंगे 360 ऊपर ही रहेगा, 360 तो मेरा ऊपर ही रहेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड कितनी क्वेश्चन में 9, 9 हमारा नीचे है, अब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा कि एक साइड कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, कितनी होगी एक साइड, तो 40 होगी, 9 बोलते 36 होती है, 9 बोलते 36 होती है, सीधे कर दीजिए बता दीजिए, तो हमारी जो एक साइड होगी वो 40 डिग्री की होगी, अब आंसर डिग्री में आ रहा है या डिग्री लगा रहा है, ऐसा नहीं कि 40 डिग्री, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया।
इसी टाइप से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, इसी टाइप से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का करने का तरीका देखो सेम रहेगा, जैसे मैंने नल लिखा है देखो वैसे ही हमने लिखा है। पहले यहाँ लिखिए सॉल्व, अब आप मुझे बताना मुझे क्या कहते हैं। पहले लाइन मैंने सॉल्व की, दूसरी लाइन में क्या लिखना, मैंने यहाँ पर क्या लिखना बताओ। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, और ये फॉर्मूले को पूरा आपका जो लिखा हुआ है क्या फॉर्मूले का था क्या बोलिए, यहाँ पर देखो ये अपॉन की लाइन है, ऊपर लिख देंगे 360 डिग्री और हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड, नीचे भी पूरा लिख देंगे 24 डिग्री नंबर ऑफ साइड। ये तो फॉर्मूला हो गया, आप देखो 360 ऐसे लिखा है ऊपर अब और में नंबर ऑफ साइड कितनी के लिए, सेकंड क्वेश्चन बताओ नंबर ऑफ साइड कितनी दिखेगी, 15 और 15 से 360 को कट करना है, 15 से 360 को कट करना है और 15 को या 30 300 तो यही आ गया, 15 4 10 16 24 डिग्री आ गया, कट करेंगे थे तो यहां पर मेरा 24 डिग्री आ गया, कितना आ जाएगा 24 डिग्री। देखो मैथमेटिक्स में हर एक चीज ही सिंपल है, बस ध्यान से अगर आप रेगुलर क्लासेस लेंगे कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे तो ही समझ में आएगा, अगर आप समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अभी भी 22 स्टूडेंट है, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे दे दीजिए आप, तो ये हम इरेज कर दें, यहाँ से इरेज कर दें। यस सर। चलिए तो देखो थर्ड क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, फिर तभी इरेज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है How many sides does a regular polygon if the measure of x exterior angle is 24 degree? आपकी बात देखो क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया, आपकी बात क्वेश्चन को ना उल्टा पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया उल्टा बता देना मुझे, यही बस समझ लो सेकंड पार्ट, पहले तो ये कर को ब्लू कर देते हैं। देखो आपकी बात थर्ड क्वेश्चन जो है ना उसमें क्या पूछा गया है, आपको ये बोला गया है कि आपका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है, आपका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है और पूरा का पूरा 360 का होता है आपका, तो आपको अपनी बार नंबर ऑफ साइड करने की नंबर ऑफ साइड कितनी, आपको अपनी बार नंबर ऑफ साइड करने की कितनी होगी, तो ये नीचे जो नंबर ऑफ साइड लिखा है वो तो इधर आ जाएगा और जो नीचे ऊपर एक्स के लिए लिखा है वो आपका नीचे आ जाएगा फॉर्मूले में, जैसे वैसे पूछा गया और आंसर भी आपको पता है पहले से क्या आएगा। देखो 24 का डिवाइड आप 360 में करेंगे तो आपकी ये जो साइड थी ना 53 निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, और जिसको अभी भी नीचे समझ में आ रहा है दोबारा बना देता हूँ। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर करना आपसे कोई काम पूछा गया, क्वेश्चन नंबर करना क्या पूछा गया तो आप सॉल्व लिखा, आप दो क्वेश्चन नंबर करने पूछा गया नंबर ऑफ साइड, पहले क्वेश्चन नंबर में मतलब आपको दो चीजें पता होती थी कि पूरे कॉइल का कौन 360 डिग्री, तो वो चीज आपको क्वेश्चन नंबर करने भी पता है। सेकंड क्वेश्चन में एक चीज और दी होती थी हमने नंबर ऑफ साइड कि कितनी साइड का पॉलीगन बन रहा है, लेकिन इस बार अगर नंबर ऑफ साइड नहीं दी गई, नंबर ऑफ साइड निकालना है इस बार हमें वो आंसर है ना एक्सटीरियर एंगल जो डिवाइड करना पड़ता है ना वो पहले से पता है तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे आप, देखो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे लिखेंगे एन ओ डॉट हमारे शॉर्ट फॉर्म हुए ऑफ साइड, पहले इस नंबर ऑफ साइड को अपॉन में लिखाया ध्यान है फॉर्मूले को, पहले इस नंबर ऑफ साइड को अपॉन में लिखते थे फॉर्मूले, 360 वही की वही है कोई चेंज नहीं हुआ, 360 वाला वही की वही है कोई चेंज नहीं किया हमने इसमें। अब देखो इसके नीचे जो अपॉन था आप अपॉन लगा लीजिए ऐसे करके और जो साइड में आप एक्सटीरियर एंगल लिखते थे ना वो एक्सटीरियर एंगल आपका नीचे आ जाएगा, जो आप यहाँ पर साइड में एक्सटीरियर एंगल लिखते थे वो नीचे आ जाएगा, तो सेकंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सबको सेम है वही है, अब फॉर्मूले में चेंज हो गया क्या जो हमें निकालना था वो हमने चेंज कर दिया। अब मैं देखो यहीं पे दोबारा बता देता हूँ एक बार, जिन स्टूडेंट को अभी भी डाउट कर रहा है
सेकंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में क्या चीज सेम है क्या चीज अलग है। देखो सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए बताओ 360 अगर हम ऊपर लिखा था 360 के ऊपर बताओ क्लास 8 बोलिए किसी की आवाज नहीं आ रही क्या हो गया। यस यस सर 360 को हमने ऊपर लिखा था फॉर्मूले में और इस नंबर ऑफ साइड को मैंने नीचे लिखा था क्योंकि नंबर ऑफ साइड दी रही थी x से करेंगे तो मैंने यहां पर लिखा था ये निकाल देंगे। इस बार क्वेश्चन में उल्टा है क्वेश्चन में एक्स एन एंगल दिया गया है यानी कि आंसर तो पहले से पता है अब की बार आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है तो नंबर ऑफ साइड निकालना बहुत इजी है आप वन लिख लीजिए 360 तो वही की वही है इसकी तो कोई सीट ले नहीं सकता यानी इसकी सीट तो फिक्स है किसी का नाम बताया गया किसी नहीं बताएगा एक्स के लिए एंगल आप दोनों देखो आप अपने थर्ड क्वेश्चन में देखिए बताओ एक्स के लिए एंगल कितना दिया मुझे 24 डिग्री यहां पर 24 लिख दीजिए और देखो डिवाइड करने में दिमाग में बैठना पड़ेगा इस 24 से इस 24 से 15 से तो 15 साइड आ गया। एक मिनट रुकिए इसी बच्चे का कॉल आ रहा है कौन इस मिनट का जो परेशान कर रहा है। हेलो तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 15 साइड ठीक है। अच्छा यहाँ साइड का लिख दीजिए 15 के साथ में साइड का लिख दीजिए 15 साइड तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट था उसी को अपोजिट पूछ दिया गया पहले तो हमने आंसर निकाला 24 डिग्री और अब की बार हमें आंसर निकाल दिया 15 साइड कोई डाउट नहीं आ रहा सिंपल है सिंपल है ना। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन को आप समझ लीजिए अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे याद से देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन है इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखो एक पॉलीगन है कौन सा पॉलीगन है हमें नहीं पता एक पॉलीगन है जिसकी इंटीरियर एंगल जिसकी अंदर की साइड 165 डिग्री दी गई तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल बना लो सॉरी एक पॉलीगन बना लो सबसे छोटा पॉलीगन होगा ट्रायंगल ट्रायंगल ही बना लो आप। तो क्वेश्चन में बताया फोर में क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर फोर में ये कह रहा है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन जो रेगुलर पॉलीगन होता है ना उसमें टोटल कितनी साइड होगी अगर आपका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री हो तो आपका अंदर का एंगल 165 डिग्री है आपका अंदर का एंगल 165 डिग्री आपको बताना है कि पूरा पॉलीगन होगा उसमें कितनी साइड होगी। तो आप सीख रहे हैं कि 3.2 एक्सरसाइज को पूरी एक्सटेंड करके भेज दें तो सबसे पहले इसके बाहर का एंगल निकाल लेंगे सबसे पहले इसमें जो बाहर का एंगल होगा ना ये वाला ये एंगल निकालना पड़ेगा इस एंगल को ए मान लीजिए इस एंगल को ए मान लीजिए या बी मान लीजिए तो सबसे पहले ये बाहर का एंगल निकालना कितना आएगा ये बाहर का एंगल कितना आएगा बताना जरा कितना आएगा बाहर का एंगल निकालने बताओ अगर इस 165 को 180 में से माइनस कर देंगे तो बाहर एंगल कितना आएगा मेरा बताओ क्या सर क्यों वॉइस नहीं आ रही क्या हो रहा है नहीं आ रही है या सर क्लियर नहीं आ रहा क्लियर नहीं आ रही ये दोबारा बता दीजिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको अंदर की साइड दी गई है 165 डिग्री आपको क्वेश्चन नंबर 4 में अंदर की साइड दी गई है 165 डिग्री और आप जानते हो जो एक्सरसाइज 3.2 में आपको क्वेश्चन करना है वो पूरे क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल के ऊपर बेस्ड है यानी बिना एक्सटीरियर एंगल के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता है तो हमारे 165 का कोई काम नहीं है तो बेकार है तो सबसे पहले बाहर का एंगल निकालो तो बाहर वाला जो एंगल है ये निकालना पड़ेगा तो आपको बताया कि अंदर का एंगल और बाहर का एंगल दोनों को मिलाकर 180 डिग्री बनता है तो
पार्क एंगल निकाल लेंगे 165 और उसको ए मान लेंगे तो ये पार्क एंगल हो जाएगा। यहाँ पर हम 180 डिग्री का सम कर रहे हैं, तो ये तो समझाने के लिए ऐसे नहीं करना है आपको, आप इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल लिखना है। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आपने सीखा कि इंटीरियर एंगल यानी अंदर वाले एंगल को मिलाकर और बाहर वाले एंगल को मिलाकर जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो आप इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल यानी अंदर का एंगल और बाहर का एंगल दोनों को सम करते हैं तब हमारा 180 डिग्री आता है। और अब आप वैल्यू बता सकते हैं, अंदर का एंगल दिया गया 165 डिग्री प्लस में बाहर का एंगल तो निकालना ही पड़ रहा है, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल लिख दीजिए। ये बनेगी डिग्री बाहर का एंगल निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल माइनस हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने बताया 3 डिग्री आएगा बिल्कुल ठीक है। 180 से 165 माइनस हो गया आपको, तो यहाँ पर आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। तो बाकी जो वैल्यू थी ना ये 50 डिग्री आ चुकी है, यानी कि जो एक्सीडेंट एंगल जो अनोन था ना ये वाला, ये 50 डिग्री आ चुका है आपका, ये वाला एंगल जो बाहर का था ये 50 डिग्री आ चुका है। अब क्वेश्चन 50 डिग्री भी खत्म नहीं होता, क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि चलो एक्सीडेंट एंगल निकाल लिया और रेगुलर पॉलीगन समझा आपने, तो फिर बताओ वो जो पॉलीगन है उसमें कितनी साइड होगी, वो जो पॉलीगन है उसमें कितनी साइड होगी। तो जो क्वेश्चन आपने अभी घर में किया था वैसे ही आप वही कर दीजिए, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लगाएंगे जो प्रॉब्लम लगा थे क्या लगाएंगे नंबर ऑफ साइड, तो हमें नंबर ऑफ साइड निकाल दीजिए नंबर ऑफ साइड नंबर ऑफ में डॉट लगा दीजिए क्या है आप मुझे बताओ फॉर्मूले में देखिए बताओ पूरा पूरा कितना आएगा यहाँ कितना आएगा क्या क्या लिखने वाले हैं बताओ क्या आएगा यहाँ पर 360 और अपन में क्या आएगा कौन में एक्सटीरियर 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 देखो एक्सटीरियर को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं ईएक्सटी बार बार लिखना पड़ता है हमें एक्सटीरियर को शॉर्ट फॉर्म में ईएक्सटी लिख देंगे और एंगल को पूरा लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए 360 तो एज इट इज कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और मैं एक्सटीरियर एंगल यानी 50 डिग्री तो हमने अभी भी निकाला था तो यहां 50 डिग्री मिल गई और 50 का डिवाइड 360 में कर लिए तो ये ही क्वेश्चन को दो तीन बार पूछ लिया कितना आ जाएगा 24 साइड हो गई 24। अब देखो ये क्वेश्चन करते करते बैठ गया होगा आपको याद ही हो गया होगा कि 24 का मतलब 50 में करेंगे तो 360 आएगा, 50 का मतलब 360 में 24 में करेंगे तो 360 आएगा। क्योंकि देखो यही क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर फोर में एक ही क्वेश्चन को तीन बार पूछा गया था लेकिन अलग अलग में पूछा गया। तो यही मेथड होता है प्रैक्टिस का, यही मेथड होता है प्रैक्टिस का। आपने कॉर्ड बुलाया और बहुत बार असेंबली में प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा डाउट क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि एक ही क्वेश्चन सीख गए हम चलो बहुत है तो फिर आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं होगा, इसलिए तो एक बार आपको प्रैक्टिस बहुत करा, एक ही क्वेश्चन को दस बार पूछते हैं अलग अलग तरीके से पूछते हैं जैसे तरीके से पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर फोर में आ गया, क्वेश्चन नंबर फोर फोर में आ गया बोलिए यस सर यस सर। अब हमारे पास दो मिनट रिमेनिंग है, दो मिनट में क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है, मैं आपको फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए पहले और मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स ऐसे सिंपल क्वेश्चन है आप कर भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं, दो पार्ट दिए गए ए एंड बी और फिर सिक्स क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मीडियन ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 32 डिग्री, यानी कि कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो, जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो, ऐसा हो सकता है कोई एंगल? तो कैसे करोगे आप, आपको बस डिवाइडर में देखना है, डिवाइडर में कितना देना है मैं थोड़ा सा हम भी बता रहा हूँ आपको पूरा करना है। देखो आप जानते हो फॉर्मूले को, ये टोटल तो होता है 360 डिग्री का, टोटल तो होता है 360 डिग्री का, और 360 डिग्री में से
आपका एक एंगल 22 डिग्री का दिया गया है, एक एंगल आपका 22 डिग्री का दिया गया है। तो जब मैं 22 के इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरा जो आंसर होगा वो पॉइंट में आएगा, यानी कि मेरा आंसर 16 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो मुझे बताओ कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन के जो एंगल होंगे या साइड होंगे वो पॉइंट में हो सकते हैं क्या? क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें 2 पॉइंट में आंसर आ रहा है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। लेकिन ये डायरेक्ट है, ये तो मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, आपको पूरा करना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के जो लेनदेन मैंने करवाया उस तरीके से। ओके, इसी के साथ सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा एक इंटीजर नंबर बताइए, किसी भी पॉलीनोमियल का ऐसा एक इंटीजर नंबर बताइए जो सबसे छोटा होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम या तो खुद निकालना है, और सबसे मैक्सिमम बताइए, सबसे अगर ज्यादा का बताइए तो ये भी आपको खुद निकालना है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको एक क्वेश्चन बताओ, ऐसा कौन सा पॉलीगन होता है जो सबसे कम लाइनों से बनता है, ऐसा कौन सा पॉलीगन होता है जो सबसे कम लाइनों से बनता है, बताओ। ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसा कौन सा पॉलीगन होता है जो सबसे कम लाइनों से बनता है, सबसे कम लाइनों से बनता है। ट्रायंगल एक पॉलीगन है जिसमें सबसे कम तीन लाइन यूज होती है, और आप भाई तीन से मिले तो दो भी आता है, तो दो लाइन से पॉलीगन नहीं बनता। मैंने एक लाइन यूज की, एक लाइन से पॉलीगन नहीं बनता, यहाँ पर दो तीन लाइन यूज की, इससे भी पॉलीगन नहीं बनता। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है, सबसे कम लाइन होता है, वो तीन लाइन का होता है। अब इसमें तीनों लाइन हमें पता नहीं है, तीनों को एक्स मान लीजिए, तीनों को मान लीजिए एक्स, इसको भी एक्स मान लीजिए, इसको भी एक्स मान लीजिए, और इसको भी आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब इस x की वैल्यू आपको निकालनी है, इस x की वैल्यू आपको निकालनी है, x की वैल्यू निकाल देना कैसे करोगे, x और x और x 3x हो गए, 3x का डिवाइड करेंगे कितना करेंगे, 60 डिग्री, अंदर की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, आ जाएगी कि नहीं आएगी बताओ मुझे, आएगी ना? यस सर। अब ये अंदर का आपने 60 डिग्री निकाला, ये अंदर का आपने 60 डिग्री निकाला, यही तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्या पूछा गया था, व्हाट इज द मिनिमम इंटीजर एंगल, तो कोई सा भी पॉलीगन ले लो, सबसे छोटा सबसे कम जो इंटीरियर एंगल आएगा वो 60 डिग्री आएगा, वो भी ट्राइंगल का, ठीक है। अब अंदर का एंगल पता लग गया, अंदर का एंगल पता लग गया, तो इसके बाद बाहर का एंगल निकाल सकते हैं क्या, बाहर का एंगल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बताओ बताओ। तो 180 का एंगल हम निकाल सकते हैं, ये 60 को 180 से माइनस कर देना तो 120 यहां पर आ जाएगा, आ जाएगा क्या आएगा, ये तो फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, लेकिन पूरा नहीं करना है। अब आप इसको अपनी मेहनत से करना, कि कैसे आप लेवल बनाओगे, कैसे ऐसे करोगे, और ये दोनों क्वेश्चन आपको नकली करने फिर मत करना, गलत कर दूंगा, फिर मत करना, अभी कब जब तक करना जितना चेक नहीं होगा, क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स, क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स आपको नकली करना है, और होमवर्क मुझे या तो क्लास के टाइम चेक कराना है, या फिर आप मुझे सेंड कर देना, या तो आप मुझे व्हाट्सएप सेंड कर देना है, और अगर सेंड नहीं कर सकते साथ ही साथ, तो जिस दिन क्लास होगी उसी दिन आप अभी लाइव क्लास में चेक करा देंगे, ठीक है। और 4 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन आपको फेयर में कर लेना है, ओके ओके सर, ओके। चलिए आज की क्लास का टाइम यही ओवर होता है, हमने देखो क्लास में फॉर्मेट एक्स्ट्रा ले ली, वैसे फॉर्मेट से तो प्रॉब्लम नहीं होती, उस टाइम पे किसी क्लास में होती है, ये फॉर्मेट जो है वो एक्स्ट्रा है। यस सर। आपकी न्यू क्लास में 11:30 से स्टार्ट होगी। चलिए बाय ऑल, सी यू नेक्स्ट वीक। बाय सर।